हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे राइट विद द मार्केट अपडेट्स ऑन 22 अप्रैल 2020। तो दोस्तों, ये जो वीडियोज़ है जिसमें मैं आपको जितने अच्छे स्टॉक्स मुझे दिख रहे हैं, अच्छे यानी ऐसा नहीं सिर्फ बढ़ने के लिए राइट, हो सकते हैं गिर भी सकते हैं ओके, बट ज़्यादातर अभी कोई बाय ट्रेड मिल नहीं रहा है राइट, तो हमें फोर्सफुली ढूंढना नहीं चाहिए ओके। तो सबसे पहले है ऑपरेशन करने जा रहे हैं अदानी एंटरप्राइज का। तो दोस्तों, यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, जिससे आपको भी आइडिया आ जाए राइट फ्रेंड्स। और वो ब्रेक हो चुकी है राइट, और मैं ऑलवेज कहता हूँ कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद या तो गैप डाउन से ब्रेक होना चाहिए फॉर सेल राइट, फॉर बाय गैप अप से ब्रेक होना चाहिए। तो राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट ओनली सेल। सो यहाँ पे गैप तो नहीं है बट उसने ब्रेक कर चुका है राइट अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद वी नीड अ रिएक्शन, यानी आज एक कैंडल ग्रीन यानी कल के क्लोज से ऊपर होना चाहिए राइट। अगर वो नहीं होता है फिर भी एडवाइजेबल तो रिएक्शन ही है, बट फिर भी आज के लिए आपको वॉच करना है बिलो 134.15 ओके। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा बिकॉज आई हैव 9 स्टॉक्स एंड सेकंड स्टॉक्स विल बी अमर राजा राइट। शायद हो सकता है इसका शेयर अमर हो जाए राइट, ये क्रैश में ओके, नाम ही ऐसा है इसका ओके फ्रेंड्स। तो दूसरा जो स्टॉक्स है अमर राजा बैटरी ओके, थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा दोस्तों राइट टिल द लॉकडाउन ओके। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ कर सकता हूँ ओके। तो दोस्तों, ये पूरा ये भी फंसा हुआ था अमर राजा बैटरी राइट, जिसको एक डायरेक्शन ढूंढनी थी। देखिए, ये सिर्फ सेम निफ्टी जैसा पैटर्न है इसमें राइट, वेजेस जो कहते हैं हम बैरिस राइट। तो इसने दोस्तों देखिए, जो अदानी की जो कसर थी ना वो इसने पूरी कर दी, गैप डाउन के साथ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है राइट। इसमें भी रिएक्शन आया तो बेटर है। तो ये लो जो है 501.50, उसके नीचे यू नीड टू वॉच अमर राजा बैटरी। फिर दूसरा है, नेक्स्ट स्टॉक इज बालकृष्ण इंडस्ट्री राइट फ्रेंड्स। बस दिखा देता हूँ मैं आपको, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में देखे दोस्तों, इसमें भी वी कैन ड्रॉ द ट्रेंड लाइन ओके। तो देख लेते हैं, यहाँ से भी ड्रॉ हो सकता है फ्रेंड्स राइट, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस में आपको हम करेंगे ठीक है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पे गैप डाउन से ब्रेकआउट नहीं है राइट, तो इसमें भी रिएक्शन आए तो बेटर है, बट फिर भी ट्रेंड टूट चुका है इसका ओके। तो इसको आपको वॉच करना है 862 के नीचे, और जो भी स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ अगर वो अपने लेवल से नीचे ओपन होता है तो यू शुड अवॉइड ओके, एंड ऑल विल बी वैलिडेट फॉर टूडे ओनली। और अगर रिएक्शन देता है तो फिर कल भी चलेगा ठीक है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री, फिर भेल राइट, कहीं मुझे ऐसे मैसेज भी आते हैं कि भेल का स्टॉक का प्राइस इतना कम हो गया है राइट, इतने रुपीज में तो भेल भी नहीं मिल रही है बाहर राइट। इट्स ओके फनी पार्ट ऑफ दिस स्टॉक। तो ये देखिए भेल, तो भेल में भी अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पे ट्रेंड लाइन, वैसे तो बहुत बड़ा इनसाइड बार में है। तो ये देखो, ये ट्रेंड लाइन को टच होके ही है, तो इसको भी वॉच कीजिएगा बिलो 21.55। नेक्स्ट स्टॉक इज एक्साइड इंडस्ट्री राइट, तो आपको प्रैक्टिस होगी दोस्तों तो ही आप सीख पाओगे राइट। सो एक्साइड इंडस्ट्री, उसकी बैटरी अभी फिलहाल तो उतर चुकी है, डाउन हो चुकी है राइट, सभी स्टॉक्स में यही हालत है दोस्तों ओके। अभी बैटरी पता नहीं कब चार्ज होगी। इसमें एक थीन वॉल करके पैटर्न है जो मैंने आपको इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किया था राइट, सिर्फ 3 कैंडल का चैनल दोस्तों राइट। तो इसका स्ट्रेंथ बहुत कम रहता है राइट, 3 कैंडल का अप चैनल, इसकी क्या स्ट्रेंथ मैं बताऊँ राइट। और एक छोटा सा बैरिस वेजिस जैसा है, तो इसको भी वॉच कीजिएगा बिलो 140.55। जो भी स्टॉक्स दिखाता हूँ अगर उसमें आज एक क्लोज ऊपर देता है तो कल भी आप वॉच कर सकते हो। फिर एक्साइड इंडस्ट्रीज के बाद टर्न आता है IOC राइट, IOC की हालत आपको पता ही है ओके, क्रूड के चलते क्या हो रही है राइट, या वॉट एवर, हमें न्यूज़ पे फोकस नहीं करना है, कभी भी मत कीजिएगा दोस्तों ओके। क्योंकि मार्केट कई बार पॉजिटिव न्यूज़ में गिरता है और नेगेटिव न्यूज़ में बढ़ता है, हमने अच्छी तरह से देख लिया दोस्तों इस बार राइट। तो ये एक स्टॉक्स है IOC जो चैनल ब्रेक करने की तैयारी में है, चैनल यहाँ से दिस इज कॉल्ड प्राइस चैनल राइट, 2 ट्रेंड लाइन से भी ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो ओके। तो ये लो के नीचे वॉच करना 82.50 राइट फ्रेंड्स। सो और फिर है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लोगों को लगता है दोस्तों बहुत अट्रैक्टिव प्राइस में मिल रहा है राइट, कुछ अट्रैक्टिव ऐसा कुछ होता नहीं है फ्रेंड्स, अगर सेल मिलता है तो सेल ही करना पड़ेगा ना ओके। अभी देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा,
ये इनसाइड बार में दोस्तों, यहाँ पे कुछ नई चीज़ सिखा रहा हूँ आपको, राइट। एक छोटा यहाँ पे देख सकते हो आप, एक इनसाइड बार है, ओके। ये लाइन को इग्नोर कीजिएगा दोस्तों, मैं निकाल देता हूँ, राइट। तो देखिए, ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल है उसी के अंदर चल रहा था, तो ये लो ब्रेक किया गैप डाउन के साथ, राइट। तो ये कंसोलिडेशन फेस में था, तो जो बाहर निकल चुका है, राइट। तो इसको वॉच कीजिएगा बिलो 323.50। फिर मन्नापुरम, राइट, मन्नापुरम गोल्ड या जो भी फाइनेंस, राइट। तो मन्नापुरम में देख लेते हैं, दो मिनट फ्रेंड्स, मन्नापुरम का कोड मैं देख लेता हूँ, क्योंकि ये लोग कई बार अलग अलग कोड रखते हैं। चलो वो मैं लास्ट में आपको दिखा देता हूँ मन्नापुरम, पहले मदरसन देख लेते हैं, तो ज्यादा अपना टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो मदरसन में देखिए गैप डाउन के साथ ब्रेकआउट दे चुका है, राइट। यहाँ से मैं उसका ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा, मल्टीपल ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो भी आप सीख लीजिए आज। ये देखिए यहाँ से ऑलवेज देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट कैंडल लो है, उससे सेकंड लो ही लेना है, डायरेक्ट यहाँ पे थर्ड पे नहीं जाना है, ओके। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया और इट हैज ब्रोकन विद द गैप डाउन, तो इसको वॉच कीजिएगा बिलो 71.25। मदरसन सुमी वोल्टास देख लेते हैं फ्रेंड्स, राइट। तो वोल्टास में भी देखिए दोस्तों, सेम वही चीज़ है, ओके। तो ट्रेंड जो है दोस्तों, उस अपने आप डिफाइंड होता है, इफ़ यू आर गेटिंग द सेल ट्रेड इट मीन्स द डाउन ट्रेंड, राइट। आपको फिर फोर्सफुली ढूंढना नहीं है, फोर्सफुली ढूंढोगे तो चार्ट विल नेवर हेल्प यू। अभी लोग यही कह रहे हैं कि चार्ट हेल्प नहीं कर रहा है, तो दोस्तों आपको कैसे हेल्प करेगा, हर बंदे की पोजिशन अलग है, तो हर बंदे का थोड़ा वो फुलफिल कर पाएगा रिक्वायरमेंट, राइट। तो यहाँ पे वोल्टास का ही अंदर का एक ट्रेंड लाइन है, दिस इज मल्टीपल ट्रेंड लाइन एग्जांपल, तो इट हैज ब्रोकन विद द गैप डाउन, सो मस्ट वॉच बिलो 491.40, राइट। अभी दोस्तों कमिटमेंट किया था तो मैं भूलता तो नहीं हूँ, राइट। एक मन्नापुरम देख लेते हैं, इसमें से ग्रुप में से मिल जाए तो, क्योंकि हर स्टॉक का वो लोग जो स्पेल और ट्रेड वो कोड अलग अलग रहता है, जैसे आपको पता होगा बजाज फाइनेंस का बज फाइनेंस होता है, राइट। तो दोस्तों ये पता नहीं इतने तकलीफ होती है, BSE सबसे बेस्ट है, ये रहा मिल गया, राइट। BSE में वो नंबर आता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसमें भी आता है बट इसमें ज़्यादातर लोग नाम से ट्रैक करते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिलहाल कुछ इतना खास है नहीं, पर मैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा मुझे दिख रहा है, चलो ये ट्रेंड लाइन ही देख लेते हैं। तो गैप डाउन के साथ ब्रेक है, ओके। तो इसके लो के नीचे 100 के नीचे आपको ये वॉच करना है, राइट। और एक अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन मैं एक स्टॉक आपको दिखा देता हूँ, कोटक बैंक, ओके। लोग कहते हैं कोटक बैंक बहुत स्ट्रांग है, मैं भी मना नहीं करता हूँ, राइट। लेकिन देख लीजिए चार्ट पे क्या है वो देखिए, फिर आपको बोलना है। तो एक यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न आपको दिखेगा फ्रेंड, राइट। तो जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे 111.45 के नीचे कन्फर्म होता है, और वन मोर थिंग, उसने गैप डाउन भी ले लिया है, राइट। तो इसको भी वॉच कर सकते हैं फॉर हेड एंड शोल्डर, राइट। बाकी इसके अलावा जो स्टॉक्स है वो बेस्ट है वॉच करने के लिए, बट ये सिर्फ मैंने आपको अपार्ट फ्रॉम द ट्रेंड लाइन मुझे लगा कि एक नई चीज़ आपको सिखा दूँ, राइट फ्रेंड्स। आज इतना ही, तो वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिएगा और डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी दीजिएगा फ्रेंड्स, ये सिर्फ थोड़े दिनों तक ही है, और जब डिस्टर्बेंस बंद हो जाए तो आपको पता चल ही जाएगा कि लॉकडाउन भी खत्म हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।